हेलो दोस्तों, मैं एप्पल श्री। स्वागत है आपका सिंपल ज्ञान कोश के यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे गीता की कसम क्यों खाई जाती है कोर्ट में। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। कुछ इसी प्रकार के फिल्मी सीन आपने फिल्मों में अक्सर देखे होंगे, पर आपको पता है अब ऐसा कुछ नहीं होता है, फिल्मों में दिखावा किया जाता है। इतनी अलग तरह की शपथ कब, कैसे, क्यों आई, इतिहास क्या है इसका, सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो अंत तक देखिए। मुगलों के समय हमारे धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ तो उस समय माना जाता था यदि किसी को उसके धर्म ग्रंथ पर कसम खिलाई जाएगी तो वह झूठ नहीं बोलेगा। यही बात ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा फॉलो की गई। और जैसा कि हमको पता है कि ब्रिटिशर लोग ज़्यादातर लॉ बना देते थे, तो उन्होंने 1873 इंडियन ओथ लॉ का निर्माण किया। स्वतंत्रता के बाद तक ऐसा ही चलता रहा और हिंदू गीता पर, मुस्लिम कुरान पर और ईसाई बाइबल पर हाथ रख के कसम खाने लगे। ये पूरा सिलसिला तब ख़त्म हुआ जब 1969 में 28th लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कई सिफारिशें की गई। इस सजेशन के बेस पर इंडिया में इंडियन ओथ एक्ट 1969 का निर्माण हुआ, जो अभी फॉलो किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया गया, ताकि सिस्टम को यूनिफॉर्म और सेकुलर बनाया जा सके। देश में इंसान अलग अलग किताबों पर हाथ रखकर कसम ना खाए। अब व्यक्ति विशेष अपने धर्म के ईश्वर को मानने वाले केवल इस तरीके से कसम खाएंगे कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाती हूँ, जो भी कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। क्या हो अगर कोर्ट में कोई झूठी कसम खा ले या झूठे गवाह पेश करे, तो कोर्ट के अंदर एक कानून है IPC की धारा 193 सेक्शन, जिसमें यह झूठे गवाह या झूठी बात बोलने पर, शपथ लेने पर पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें 7 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। एक बात और, 12 साल तक के बच्चे को कोर्ट में कसम नहीं खिलाई जाती है, क्योंकि माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लगातार कमेंट और लाइक करते रहिए।